हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, टिप टॉप होंगे। तो बस क्रिकेट तो हो नहीं रहा आजकल, पता ही आपको, हर जगह बस जो आईसीसी के जो सोशल मीडिया है वो भी बस कोई पुरानी फ़ोटोज़ डाल रहा है, भाई गैस करो ये बंदा कौन है। और आज भी आईसीसी ने वो एक फ़ोटो शेयर की है, मतलब केएल राहुल की छोटी 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 तस्वीरें हैं, बीच में कोई एक डाली हुई है विराट कोहली की और कह रहे हैं जी ढूंढो विराट कोहली, बीच में ढूंढो। तो ये चल रहा है भाई आजकल। वैसे मैंने ढूंढ लिया था और नीचे की लाइन में कोई 30 सेकंड भी नहीं लगे थे मुझे, तो 20-25 सेकंड ही लगे थे, नहीं ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 15 सेकंड लगे थे नीचे से ऊपर को देखा, कोई तीसरी चौथी लाइन में कोई मिडल में जाके मतलब ढूंढ लिया मैंने। खैर अगर वो हमें कह रहे हैं आप ऐसे टाइम पास करो तो हम भी कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद है कि कुछ है नहीं क्रिकेट को, बस ऐसे ही चल रहा है, ये पुरानी फ़ोटोज शेयर हो रही हैं कि इन प्लेयर्स में सिमिलैरिटी ढूंढें, ये ढूंढें। और खाली मतलब एक पिछले दिन ब्रायन लारा की एक पिक्चर थी, खाली अक्स था उनका रिफ्लेक्शन, यहाँ ये किसका ये स्टैंड है खड़े होने का। तो ऐसे ही चल रहा है भाई लोग। एक भाई ने वीडियो शेयर की है, तो उसने मतलब इंडिया में गली में खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं गली में, तो एक मतलब फील्डिंग शील्डिंग सेट की हुई है, कीपर शीपर गेंद से मतलब गली खाली है, एक नुक्कर पे खड़ा किया हुआ है। और वो इसलिए खड़ा किया हुआ है जैसे कोई ठुल्ला आए, कोई पुलिस वाला आए, तो वो मतलब फ़ोन करके बता दो हाँ भाई आ गया है, बस भागो, पैकिंग चेकिंग करके सारे भागो। तो इस तरह ही कुछ चल रहा है भाई आजकल। तो और तो कुछ खास है नहीं, जहाँ आपको पता ही है सूरत हाल सारी क्या चल रही है। और बाकी ये अच्छी कॉज है कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, इन्होंने भी काफ़ी डोनेशन दी है। वो जोस बटलर, उन्होंने अभी कहा कि अपनी हम जो वर्ल्ड कप मैच जीता हूँ उसकी जो मैं शर्ट है उसकी ऑक्शन करके वो भी कुछ चैरिटी में पैसे शैसे देंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पूरी ये ऐसा कोई सीन हो गया कि मतलब ठीक है नेशनलिज्म तो है इसमें, लेकिन बाकी ह्यूमैनिटी की बात आ गई है भाई, जो जहाँ पे भी है मतलब फुटबॉलर्स हैं, कोई किसी कंट्री का है, कोई इटली में सपोर्ट कर रहा है, कोई स्पेन में सपोर्ट कर रहा है, हालांकि कंट्री कोई और है, लीग कहीं और खेलते हैं। तो ये सारा मतलब अक्रॉस द ग्लोब जो है, मतलब ये काफ़ी एक अच्छी बात है, चैरिटी वगैरह ये जो सीन ऑन हुआ है ऐसा करना भी चाहिए। और बाकी इंडिया से भी काफ़ी लोगों ने पिछले दफ़ा के कमेंट्स कर रहे थे कि भाई इंडिया के इतने इतने लोगों के पास पैसे हैं, इतने नहीं दे रहे, क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पैसे दिए हैं बीच में और चैरिटी के लिए, सचिन ने, उसके अलावा उसने सुरेश रैना ने, विराट कोहली, रोहित शर्मा, काफ़ी पठान ब्रदर्स, वो तो काफ़ी एक्टिव हैं इसमें, पाकिस्तान में भी यहाँ पे लेके सुहेल तनवीर हमारे यहीं पिंडी के हैं, शाहिद अफरीदी, वो काफ़ी एक्टिव हैं इसमें। तो ये अच्छी बात है, ऐसा मज़ीद होना चाहिए। अच्छा तो वो मैं देख रहा था उसका, हरभजन सिंह का, उसने ट्विटर पे शेयर किया, कोई एशिया कप का मैच था मतलब जिसमें शुएब अख्तर और हरभजन सिंह का तू मैं हो गई थी, और ठीक ठाक वो मतलब म्यूट करके वो यूट्यूब पे पड़ी है, वीडियो देखनी पड़ती है अगर आप अकेले में नहीं देख रहे तो, मतलब तो तेरी ये थी तेरी पहन दी, ये गालम गलोच चल रही है। तो उसमें मतलब हरभजन ने जो छक्का छक्का मार दिया था तो मैच जितवा दिया, छक्का तो खैर मोहम्मद आमिर को पड़ा था, लेकिन उससे पहले शुएब अख्तर के साथ सेकंड लास्ट ओवर में कोई खटपट हुई थी। खैर हरभजन सिंह ने जी वो शेयर किया वीडियो अपने ट्विटर पे, तो कुछ 10-15 सेकंड की थी कि हाँ कोई पंगा नहीं लाना, कुछ ऐसा कुछ था। नीचे मैंने कमेंट पढ़े हैं तो बड़े कमेंट है, कोई अजीब अजीब से हरभजन के ख़िलाफ़, ओ आप कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप कवर अप ना करो, और तुम्हारा मतलब हमें असली चेहरा पता है और ये है वो है। तो मुझे तो ये खास समझ नहीं आई, क्या किया आजकल कोई हरभजन सिंह ने, मतलब वही बात तो, वो तो नहीं है क्योंकि अफरीदी की चैरिटी के लिए कुछ बोला है कि हाँ भाई उसमें आप हिस्सा लें, वही वाला कोई सीन है या कोई और सीन है, क्या कर दिया उसने, मतलब लोग पता नहीं भाई साहब अब निकले इससे, मतलब चैरिटी मतलब जहाँ पे भी गरीब आवाम है, चाहे वो पाकिस्तान की है इंडिया की है, कोई चैरिटी करेगा तो उसी का भला होगा। तो इसमें मतलब अभी निकलें ये रिलीजन से कि हाँ ये ह्यूमैनिटी की बात है, कोई भूखा है तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है वो उसका क्या रिलीजन हो, आप किसी को खिलाएंगे कोई भूखे को तो वो दवाई देगा। तो ये एक वो मुझे नहीं पता कि वो किस बात पे, मतलब काफ़ी मैंने 8-10 कमेंट पढ़े तो वो बैशिंग कर रहे थे हरभजन सिंह की, कोई समझ नहीं आई कि भाई ये क्या सीन चल रहा है और क्या वो है। अगर आप बताइए कोई क्या कोई चीज़ है, इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग, कि क्या कोई सीन हुआ है, क्या कोई स्टेटमेंट दे दिया है, क्या कोई कर दिया कोई काम, कोई वो करण जौहर की जो उसमें कॉफ़ी तो नहीं पी ली जाके, जो पांड्या ने और क्या राहुल ने पी ली थी कॉफ़ी और जो कि काफ़ी भारी पड़ी थी उनको, तो कोई ऐसा कोई सीन तो नहीं हो गया, हाँ वो बताना फिर ज़रा कमेंट शमेंट करके। तो और बाकी तो क्या करें, और तो कोई बात क्रिकेट को लेके है नहीं। हाँ राजस्थान रॉयल्स जो है उन्होंने बोला कि ठीक है हम मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर नहीं आते और आईपीएल मतलब
शॉर्ट भी हो जाती है, छोटे भी हो जाती है, तो तब तो भी हम तैयार हैं भाई, हम खेलने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है जो फ्रेंचाइजीज हैं जिनके पैसे लगे हुए हैं, मतलब कितना नुकसान काफ़ी हो रहा है पूरी दुनिया में इकॉनमी को लेके, तो जो जिन्होंने पैसे लगाए हैं फ्रेंचाइजीज हैं वो भी वरीड हैं कि हाँ यार थोड़े बहुत कोई शॉर्ट ही आईपीएल हो जाए बस कुछ ना कुछ। लेकिन एट द मोमेंट तो कोई नज़र नहीं आ रहा भाई कोई आसार, कोई 14 तारीख को लॉकडाउन इंडिया में मतलब उठेगा, तो अभी तक फर्स्ट इस वीक में अप्रैल स्टार्ट हो गया, अप्रैल फूल ना बनाए कोई स्टेटमेंट दे के, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि एट द मोमेंट कोई होता हुआ आईपीएल। बहरहाल पहला इस वीक में सुना है कोई गंगुली साहब बिठाएंगे सारी फ्रेंचाइजीज को, सूरत हाल उनके सामने रखेंगे कि हाँ भाई कुछ नया है कुछ के नहीं है, या वही पुरानी बातें हैं, या कोई सूरत हाल नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन एट द मोमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट लग रहा नहीं है, काफ़ी सूरत हाल जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है इसको लेके। अब पाकिस्तान में हमारे 2000 से ज़्यादा मतलब केसेस ऊपर चले गए, इंडिया में भी 1200-1300 आई गेस हो ही गए हैं, तो वैसे काफ़ी मतलब जब हम निगाह दौड़ाते हैं दूसरे यूरोप में जो तबाही मचाई हुई है इसने, या जो खौफ व हरास फैलाया हुआ है, वाह उर्दू के क्या मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ आपके सामने, खौफ व हरास जो फैलाया हुआ है यूरोप में, खैर उससे तो हम बचे हुए हैं। और काफ़ी मतलब ये इसमें लॉकडाउन को भी लेके है कि लॉकडाउन की वजह से भी शायद बचत हुई हुई है। अच्छा मुझे यहाँ पाकिस्तान में भी ठीक है इन अ वे कि लॉकडाउन है, लेकिन अगर कोई बंदा बाहर जाना चाहता है कोई चीज़ें ख़रीदने के लिए, या लोग मार्केट में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो किचन का राशन है वो, और बाकी उसके अलावा जो सब्ज़ी फ्रूट वगैरह ऐसी जो डेली मतलब जो जिनकी ज़रूरत है, वैसी शॉप्स खुली हुई हैं, लोग जा रहे हैं, भीड़ उतनी नहीं है जितनी मतलब हुआ करती है, लेकिन लोग जा रहे हैं जाके अपनी ज़रूरत की चीज़, एक दो बंदा हर घर से जाके लेके आ रहा है, इतना रश नहीं है। और वैसे मैंने यहाँ पे कोई इतनी मार कुटाई की कोई वीडियोस भी नहीं देखी, हाँ वो देखी थी पिछले दिनों, पता नहीं वो पंजाब में लाहौर वाली साइड पर शायद ज़्यादा इसका इशू है, मतलब एक मोटरसाइकिल पर लड़का बैठा हुआ था, पीछे भी लड़का बैठा हुआ था लड़की के कपड़े पहन के, तो पुलिस वाले कह रहा है कौन है, कहता जी यह मेरी कज़न है, तो कहते हैं वेखन जो मुंडा लग रहा है, वो फिर उतारा जी वो लड़का ही लड़की के कपड़े पहन के बैठा हुआ था, कहता कहड़ा ये कज़न है दीदी दाढ़ी मूछ निकली हुई है। तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि इस तरह की सूरत हाल वो वीडियो में नज़र आई है, बाकी हाँ कराची में कुछ लोगों को मुर्गा शुर्गा बनाया हुआ था, बाकी मार कुटाई वाली इतनी वीडियोज़ देखी नहीं मैंने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान की ज़्यादा वीडियोज़ जो यूट्यूब पे चल रही है या सोशल मीडिया पे चल रही है वो ज़्यादा इंडिया की ही है, कि काफ़ी मतलब पंजाब की पुलिस अपने स्टाइल से मार रही है, राजस्थान की लहदा और साउथ वाली साइड की जो है अपनी वो है। तो ये मैं बात ये करना चाह रहा था कि अगर इतना सख्त लॉकडाउन है तो कोई ना कोई तो फिर निकलेगा ना घर से कुछ चीज़ सामान खरीदने के लिए, या क्या घरों में जाके दे रहे हैं, या क्या कैसे मतलब लोग रह रहे हैं, अगर अलाउड नहीं है कि भाई आपने बाहर नहीं निकलना जाके, अपने अंदर ही रहना है घरों में ही रहना है, तो फिर क्या सीन चल रहा है राशन वगैरह का मतलब। और मेरे ख्याल में इंडिया में तो इतना मतलब ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं था, शायद कुछ घंटे ही थे मतलब 4-5 घंटे, और बोला था जी लॉकडाउन है अगले 21 दिनों के लिए, तो क्या उसकी क्या मतलब किया कोई सीन, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हाँ अगर लोगों ने इतना सामान वगैरह, अब पता है कि अगर हमें अगर मुझे पता है जी मैं 2-3 हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलूँगा, तो पहली बात यही सोचेंगे कि हाँ चलो 2-3 हफ्ते का फिर राशन वगैरह तो ले आए। अगर जो लोग वहाँ पे नहीं लेके आए तो उन्होंने क्या किया है, क्या मतलब उनको कोई अलाउड है कि एक बंदा जाए जाके लेके आए, या कि बिल्कुल ही नहीं है, या फिर घरों में जाके दे रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है, कोई सीन क्या बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पे तो इतनी सख्ती नहीं है, यहाँ पे मतलब आप जा सकते हो मार्केट में आ सकते हो और जाके चीज़ें अपनी ज़रूरत की जाके चीज़ें वो आप लेके आ सकते हो। तो ये बस बताइएगा कमेंट करके, और ये बताइएगा किस किस को कुटाई लगी है, 2-4 लोगों ने कमेंट किया है रिजवान भाई बस गए थे बाहर कर्फ्यू देखने तो अब वापस आए हैं तो सही तरह से बैठा नहीं जा रहा, तो क्या किस किस को अभी तक डंडे पड़ चुके हैं और क्या सीन है। और बाकी ये है कि जैसे मैंने अभी बात की कि मसला है कि ह्यूमैनिटी के बारे में सोचें, मज़हब और ज़ात और उससे ऊपर के लेवल पे होके, यहाँ अगर कोई आपके नेबर्स में कोई ज़रूरतमंद है, कोई हल्का फुल्का तो वैसे शुरू किया आपके भाई ने भी कोई काम चैरिटी को लेके, कुछ राशन वगैरह कुछ दिए हैं कुछ लोगों को, कुछ मजीद भी दे रहे हैं, हाँ कि जो हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं या अगर सराउंडिंग से हट के भी हैं अगर उनकी कुछ इमदाद की जाए, क्योंकि जाहिर है कि एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, तो जो डेली वेजेस हैं जो डेली जाके काम करते हैं अपनी मजदूरी करते हैं
उनको फिर जाहिर है कि उनको कोई अर्निंग नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, अब वो कैसे मतलब खाएं पिएंगे, क्या सरवाइव करेंगे, कैसे करेंगे, तो बस थोड़ा उनका भी ख्याल रखें साथ में। तो बस बाकी तो कोई ये वैसे बड़ी अहम बात है, आप ये करना चाहिए आपको, और फिर ऑब्वियसली आप देंगे इस तरह के लोगों को तो फिर ऊपर वाला और आप पे अपना कर्म करता है, मज़ीद आप पे जो नवाजशात मज़ीद आती हैं। चलें जी, फिर आप रखें अपना ख्याल, और कमेंट करके कोई बात हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे गपशप होगी। अंटिल देन, बाय बाय।